हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे मंटू बबीता चैनल में। आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है यहाँ पर, और मार्केट भी बहुत यहाँ से दूरी पर है, हमें लगता है 3-4 किलोमीटर दूरी पर ही है। जो कि आप लोगों को पता है कि मैं बचपन से पापा के साथ मार्केट में रही हूँ, तो पैदल चलने में थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब 1-1 किलोमीटर रहे तो आदमी चल जाता, 3-4 किलोमीटर तो बिल्कुल मैं नहीं चल पाऊँगी। और खुशी दीदी का भी तबीयत ख़राब है, और बाप परी का तो मान लीजिए ख़राब था, तो वो लोग अपना लिए हैं, छीन लिए, तो दवा ववा लेकर आए थे शायद कल। मेरा भी तबीयत, इनको देख देख करके रोती रहती हैं, तो मेरा भी सिर दर्द, खांसी, जुकाम, पता नहीं कैसे एकदम खाने पीने का सब टाइम इधर उधर हो जा रहा है, कोई खा पी नहीं रहा है। मान लीजिए कि सुबह अगर लेट हो जाता है तो आदमी को ऐसे भी जुकाम खरसेवर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और इनसे कह भी रहे हैं कि चलिए यहाँ से, तो कह रही हैं कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो लोग और ज़्यादा मुझे गलत ही कहेंगे, इससे अच्छा मैं यहीं पे रुकती हूँ। और बहुत ज़्यादा इन्हें यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, बता नहीं सकते हैं। और आप लोग भी कमेंट में बता रहे हैं, आप लोग भी अच्छा राय दे रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है, डिफरेंट है एकदम। तो आप लोग जो भी राय दे रहे हैं कमेंट में, अच्छा ही दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, और दीदी के बारे में जो भी देख रहे हैं जानकारी कमेंट, क्या कि मैं ही उनके चैनल पर वीडियो डाल देती हूँ, कि क्या है कि अगर परिवार साथ ना दे तो एक यूट्यूबर के लिए उसका सोशल मीडिया साइट है, जो मतलब जैसे यूट्यूब पे हम वीडियो बनाए तो हमारा जो चैनल है वही एक हमारा, आप ही लोग हमारे फैमिली हैं, किसी की भी मैं बात कर रही हूँ। तो खुशी दीदी या मेरे लाइफ के लिए मान लीजिए इस समय आप ही लोग फैमिली हैं, जो कुछ भी यहाँ होगा आप लोगों को पता रहेगा, ताकि कुछ भी अगर इंसान के साथ गलत होता है तो आप लोगों को मैसेज मिलता रहेगा। तो इसलिए मैं उनके चैनल पर वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ, जो भी झगड़ा झंझट या बातचीत होता है अपने पर भी करती हूँ, ताकि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली देखे और यह निर्णय ले कि कैसे क्या हो रहा है इन लोगों के लाइफ में। क्या है कि जब कहीं पर और कोई, आज के ज़माने में इतनी तो सुविधा है कम से कम सोशल मीडिया का, कि हम घर बैठे भी किसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी सुविधा है। किसी के बारे का मतलब है जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यही स्थिति है कि बेचारी सोच रही छोड़ कर जाएंगे तो बाबू को नहीं दे रहे हैं, और हम लोग वही लेने की कोशिश कर रहे हैं, घर से कमज़ोर हैं ही। और आप लोग भी बहुत अच्छा अच्छा राय दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर कोई भी वो ट्रिक काम नहीं कर रहा। हम लोग भी दिन भर इधर उधर दिमाग लगाते ही रहते हैं कि कैसे बाबू को लें और यहाँ से निकले बक्सर के लिए। क्या है, मुझे ज़्यादा किसी से डर और नहीं लगता, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी डरपोक नहीं, मैं बचपन से थोड़ी कम डरने वाली लड़कियों में से हूँ। लेकिन क्या है कि यहाँ खुशी दीदी के बारे में बात है तो वो अपने जीवन का खुद निर्णय ले सकती हैं। मैं उन अब जो भी वो कहेंगे मैं उसी हिसाब से कर सकती हूँ, या फिर उन्हें राय दे सकती हूँ। मैं अकेले निर्णय नहीं ले सकती हूँ अगर जब तक कि वो तैयार ना हो। मैं कोई अगर राय दे रही हूँ, अगर उसको मानते हैं तभी मैं करती हूँ, तो मैं बस राय दे सकती हूँ। बाकी रही बात मेरे बारे में, तो मैं शुरू से ही आत्मनिर्भर रहने की कोशिश करती हूँ, और डरती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ किसी से या किसी के धमकी से, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जितना हो सकता है दीदी का सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ, उन्हें अच्छे राय देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या है कि उनकी ज़्यादा ज़्यादा कोई नहीं जानता है, उनके शादी को 2 साल हो गए हैं, तो जितना वो अपने फैमिली के बारे में अच्छे जानती हैं, ना मैं जानती हूँ ना और कोई जानता है कुछ। अब भाई इस स्थिति में कोई मुझे विस्तार से बताने तो बैठेगा नहीं कि पिछले 2 सालों में क्या क्या उनके साथ हुआ, क्योंकि ये घटना अचानक हुआ है। लेकिन ये है कि कहती हैं तुम्हें नहीं पता है इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, तो जैसे वो कहती हैं वैसे ही करना पड़ता है। वरना जो है बहुत सारे ऐसे उपाय हैं कि आदमी कुछ उपाय उनमें से फॉलो कर सकता है, तो यही सब दिक्कतें हैं। और जब खुश थी, सुखी थी, संपन्न थी, अच्छे से थी, तब मुझे बक्सर मतलब लगभग कई बार से फ़ोन करके दीदी बुला रही थी कि यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ। लगभग हमें लगता है 10-12 दिन के अंदर में 7-8 बार फ़ोन की होंगी आने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो रिश्ते में मैं उनकी बहन ही लगती हूँ, आप लोग बार बार पूछते हैं, हम लोग एक ही गांव के हैं, एकदम जस्ट एक ही ग्राम सभा के हैं। तो बहुत फ़ोन करके मतलब बुलाएं तो फिर हम आए। अब इस समय वो तकलीफ़ में है तो छोड़कर जाना भी नहीं बनता है, क्योंकि जब सुख में थे तब बुलाई थी, तो दुख में भी हमें उनका साथ देना बनता है। तो इसीलिए हम उनके साथ यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि मुझे किसी के डर झगड़ा झंझट से कोई डर और नहीं लगता, सच मैं बता रही हूँ आप लोगों से।
बस मैं दीदी के लिए रुकी हुई हूँ कि इनके पास रहूँगी तो देखती रहूँगी क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, क्योंकि अकेले छोड़ने का मतलब है कि जो है इनके साथ कुछ भी हो सकता है या कुछ भी ये कर सकती है। अकेले इस तरह मैं हूँ तो मेरे साथ बातचीत करती रहती हैं, जो भी उनके दिल का मैटर रोती गाती रहती हैं। तो आदमी किसी से अपना जो है प्रॉब्लम शेयर करता है बांटता है तो थोड़ा मन हल्का होता है। अगर वो अकेले पड़ जाएंगी तो कहीं ना कहीं अगर कभी वो अकेले कमज़ोर पड़ गई तो फिर जो है कुछ भी उनके मन में गलत विचार आ सकता है। तो इसीलिए मैं उनको नहीं छोड़ती हूँ कि कहीं वो खुद को खुद के साथ अकेले मन घबराने पे कुछ कुछ गलत ना कर लें। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रुकी रुकी हूँ, उनके साथ मैं रहूँगी जब तक कि सब कुछ ये मैटर सही हो या ना हो। अगर सब कुछ वो ठीक हो जाए, बस अच्छे से खुश हो जाए और बक्सर चल चलती तो फिर बात अच्छा रहता। तो मैं उन्हें यही समझा रही हूँ कि रोने गाने से कोई फ़ायदा है नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है तभी न हो गया है, आपके रोने से वो आएगा नहीं। लेकिन क्या है कि भाई अब उनका रिश्ता है, 2 साल साथ रही हैं, दिल का रिश्ता है, तो ऐसे आदमी नहीं छोड़ देता है। तो जानती हैं कि लगाव ऐसा चीज़ है कि आदमी 4 महीने भी साथ में, अगर सहेलियां होती हैं, मान लीजिए फ्रेंडशिप होता है, आदमी बिछड़ता है तो कितना तकलीफ होता है जब हम लोग अलग अलग कॉलेज में पढ़ने लगते हैं। तो उसी तरह इन लोगों का मान लीजिए पति पत्नी का रिश्ता है तो नहीं भुला पा रही हैं या फिर नहीं छोड़ के जा पा रही हैं, कुछ इनका भाई इमोशनली अटैचमेंट है तो इसीलिए उनको दिक्कत हो रहा, बहुत ज़्यादा रोती रहती हैं। नहीं तो अभी उस तरह होता तो आदमी 2 पल में छोड़ के चल देता कि जान दो, ये भी ऐसे करती कि छोड़ के भाग जाती। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता है कि वो छोड़ के चले गए तो हम भी छोड़ के चले जाएं। कोई फिजिकली सोचता, कोई जैसे मेंटली रूप से एकदम प्रैक्टिकल होकर के सोचता है और कोई दिल से सोचता है, तो बस यही चीज़ होता है अंतर। तो दीदी यहाँ पर दिल से सोच रही हैं, बाकी जो इंसान प्रैक्टिकल था वो छोड़ छाड़ के जा चुका है। तो अभी देखिए कह रहे हैं, समझा रहे हैं क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं दीदी को लेकर के। बस मैं इनके सपोर्ट सिस्टम के लिए यहाँ पर हूँ कि कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो, ये कुछ गलत ना कर लें, बस यही बात है। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करके एक वीडियो बना लेती हूँ जो आप लोगों तक मैं पहुँचा देती हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो और आप लोग उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम मेरी बातें सुनते हैं, क्योंकि उनकी बातें तो मैं सुनती हूँ तकलीफ में, लेकिन मैं अपनी बातें किसी ने कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उथल पुथल। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और उसे समझते हैं, फिर कमेंट करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही सब मैटर था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चल रहे हैं, रखते हैं। आप लोग बस हमेशा वीडियो वॉच करते रहे ताकि कुछ भी हो इस लाइफ में तो आप लोगों को पता चले और आप लोग उसके बारे में एक निर्णय ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर कुछ होता है तो मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए बताती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।